वेलकम स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा थर्ड चैप्टर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थर्ड चैप्टर कौन सा था? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट देखे, फिर डाइवर्सिटी इन एनिमल, फिर उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो अभी ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है पूरा, तो उसके ऊपर आपको एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच द पेयर। तो आपको एक ग्रुप और बी ग्रुप दिया है, उनमें से आपको पेयर मैच करने हैं। फर्स्ट ग्रुप में ए एम्फीबियन, बी दिया है वर्टिब्रेट एंड सी दिया है विद स्केल। फिर सेकंड ग्रुप में दिया है, फर्स्ट है यहाँ पे मंकी, सेकंड अ स्नेक एंड थर्ड है अ फ्रॉग। तो आपको इनके पेयर क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो एम्फीबियन का मतलब हमने चैप्टर में क्या देखा है कि जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। तो ऐसे कौन से यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉग, तो फ्रॉग का क्या लिखेंगे हम, थ्री लिखेंगे। फिर है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है कि जिन एनिमल को वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो ऐसे एनिमल हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो वर्टिब्रल एनिमल कौन सा है, मंकी है, जिसको हमारी तरह क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, थ्री वन। और बचा हुआ कौन सा है फिर विद स्केल, स्नेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री वन एंड टू। तो ये हमारी जोड़ी हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑड वन आउट। तो उनमें से हमें क्या निकालना है कि जो ऑड मैन आउट है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है फंगस, दिया है मशरूम, क्राइसिस फैमिली है एंड स्पाइरोगायरा। तो इनमें से आपको, उनमें से आपको कौन सा बाहर निकलेगा वो आपको बताना है। तो इसमें से आपको ये वाला निकलता है यहाँ पे राजस्थान। फिर है बी में दिया है मैंगो है, बनाना है, प्लम्स एंड चिकपी है। तो यहाँ पे भी क्या निकलता है, लास्ट वाला चिकपी बाहर निकलता है। फिर सी दिया है ग्रेप, ऑरेंज, लेमन एंड हिबिस्कस। तो ये जो यहाँ पे ग्रेप्स है, ऑरेंज है, लेमन एंड हिबिस्कस है, उसमें से हिबिस्कस बाहर निकलता है क्योंकि वो क्या है, प्लांट का पेड़ है। फिर फ्लावर दिया है यहाँ पे डी, सनफ्लावर, बनान एंड जवार एंड बाजरा। तो यहाँ पे धान के नाम दिए हैं, जवार, बाजरा। तो यहाँ से क्या निकलता है बाहर, तो जैसे कि हमने देखा कि सनफ्लावर है, जवार है, बाजरा, ये सब क्या है, धान है। तो यहाँ पे बनान यहाँ पे बाहर निकलेगा। फिर ई दिया है गवरा, फिर रेडिश एंड कैरेट एंड बीट। तो बाहर क्या निकलता है, यहाँ पे गवरा निकलता है। फिर ऐसे डियर, फिश, मैन, वाम। तो यहाँ पे डियर, फिश और मैन ये एक ही ग्रुप में आते हैं, वाम क्या निकलता है, बाहर निकलता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस, एक है फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग पार्ट। तो जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में देखा था कि प्लांट की क्या है, अलग अलग हिसाब से उनकी क्लासिफाइड की है, एज अ शेप, एज अ फिर उनकी हाइट, फिर उनके फ्लावर और नॉन फ्लावर, इनके एक एक क्लासिफिकेशन था। तो आपको उनके क्या दो, एक पेज पे ऐसे दो बॉक्स करने हैं और दो बॉक्स करके आपको फ्लावरिंग प्लांट की क्या क्वालिटीज होती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की क्या क्वालिटीज होती है, फिर उनके नाम लिखने फ्लावरिंग प्लांट के, और सेकंड में जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उनके आपको नाम लिखने हैं। ऐसे दो पॉइंट उसमें लिखने हैं। सेकंड है ट्री एंड स्क्रब। तो जो ट्री होती है बड़ी वाली, और स्क्रब यानी जो झुड़पे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनके आपको डिफरेंस लिखना है कि ट्री कैसे होते हैं, स्क्रब कैसे होते हैं। ऐसे दो दो पॉइंट आपको किताब में से लिखने हैं। फिर सी दिया है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट मतलब होता है कि वर्टिब्रेट यानी इनको वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो हम उसकी यहाँ पे वर्टिब्रेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, और इनवर्टिब्रेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किताब में दी हुई है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था पेज में, ये देखिए यहाँ पे दिया है द एनिमल विथ वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट, जिनको हम क्या लिख सकते हैं, द एनिमल विथ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। एंड सेकंड वाले भी बॉक्स में लिख सकते द एनिमल विदाउट वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, वर्टिब्रल वाले कौन कौन से, स्नेक है, बर्ड है, फिश है, कैंगारू, ये क्या है, वर्टिब्रेट एलिमेंट। फिर है यहाँ पे स्नेक है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, ये क्या है, अनवर्टिब्रेट है। तो ऐसे आपको दो पॉइंट यहाँ पे किताब में से ढूंढने। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट दिया है द स्नेक इज एन एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ पे बोला है कि स्नेक जो है एक्वेटिक यानी पानी में अंदर रहता है, इसे बोला है। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर बी दिया है एम्फीबिशन कैन लिव इन एयर एंड विथ वाटर। तो एम्फीबिशन का मतलब क्या होता है कि जो जमीन में रहते और पानी में रहते, तो पानी में रहते ठीक है, करेक्ट है, लेकिन वो एयर में रहता है रॉन्ग है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। फिर यहाँ पे दिया है द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सच है कि हमारा ब्रेन क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू यहाँ पे डेवलप होता है। फिर एस दिया है यहाँ पे द अमीबा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल। तो अमीबा मल्टी सेलुलर एनिमल है क्या, नहीं है, वो यूनिसेलुलर है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आएगा,
फॉल्स आएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन दिया है राइट टू नेम्स ऑफ ईच, तो आपको सिर्फ यहाँ पे नेम लिखने हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नेम लिखने हैं जो आपके घर में फ्लावरिंग प्लांट हो गए। तो कॉमन कौन सा है, रोज है, फिर मोगरा, ऐसे जो फ्लावर को फ्लावर आते हैं वो प्लांट के यहाँ पे नाम लिखने। फिर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उनके नाम लिखने। फिर ट्री, जो आपको ट्री पता होगी उन दोनों दो दो, दो नाम लिखने सबके। फिर है स्क्रब, स्क्रब यानी जो भी है ऐसे वनस्पति जैसे यहाँ पे होती है, स्क्रब यानी छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं उनको लिखना है हमें। फिर है स्क्रीपर, स्क्रीपर के आपको एग्जाम्पल लिखने दो। फिर है एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट यानी जो साल भर जिंदा रहते हैं ऐसे प्लांट के यहाँ पे नाम लिखने। बैनियर प्लांट, उनके दो एग्जाम्पल लिखने, दो नाम लिखने। फिर है पर्नियर प्लांट, उनके भी दो एग्जाम्पल लिखने। फिर से क्वेश्चन है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको आंसर लिखने उनके। फर्स्ट दिया है व्हाट आर द प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट है जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था क्लासिफिकेशन में। तो जो प्लांट है उससे कौन कौन से पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, तो इसे आपको उनके पार्ट के नाम ऐसे लिखने। फिर बी क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट, तो रूट का फंक्शन उसी जहाँ पे पार्ट ऑफ प्लांट दिए उसी में आपको रूट ऑफ रूट के फंक्शन दिए, तो वो फंक्शन यहाँ पे आपको लिखने। फिर सी दिया है व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स, तो जो लिविंग थिंग्स है उनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर डी दिया है व्हाट आर द क्राइटेरिया टू यूज द क्लासिफाई लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यानी कौन से पॉइंट यहाँ पे यूज किए गए हैं पूरे चैप्टर में आपको लिखने। फिर ई दिया है टेल सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कीपर, तो जो स्कीपर होते हैं यानी ऐसे जमीन पे रहते हैं उनमें एनिमल की आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। फिर एफ दिया है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्स विद टू एग्जांपल, तो आपको जो हर्स है यानी प्लांट का जो प्लांट की क्लासिफिकेशन में जो हमने हर्स देखे थे उनमें से आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने। फिर जी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया विल यू क्लासिफाई प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट और एनिमल इनको दो 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 ग्रुप में आप कैसे डिवाइड करोगे उसका क्राइटेरिया लिखना, यानी किस किस पॉइंट के हिसाब से आप उनको अलग अलग करते हो, तो वो पॉइंट लिखने आपको। फिर एच दिया है व्हाट प्रोटेक्ट द बॉडीज ऑफ एनिमल, तो एनिमल की बॉडी को कौन सी चीज प्रोटेक्ट करते है ये आपको लिखना है। फिर सेवन है ड्रॉ फिगर्स, ड्रॉ द फिगर्स ऑफ प्लांट टू शो द पार्ट्स नेमली रूट स्टेम एंड लीव्स, तो जैसे कि हम ये जो चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने टमाटो जो ट्री थी उसके पूरे पार्ट के हमने पिक्चर के हमने फिगर के हमने पूरे हिसाब से स्टडी की थी, तो वो वाला प्लांट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बुक में से, क्या आपको उसका पिक्चर निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे उसके जो पार्ट है रूट है स्टेम है ड्यूस है उनको ऐसे पॉइंट आउट करके आपको दिखाना पड़ेगा। सेवन वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे डायग्राम निकालने हैं कोई भी प्लांट की, जैसे यहाँ पे टोमेटो के प्लांट की है, और क्या करना है कि रूट स्टेम एंड लीव्स को ऐसे पॉइंट ऑफ करना है, जैसे कि यहाँ पे लीफ है तो लीफ को ऐसे एरो देके वहाँ पे लीफ लिखना है, फिर रूट को एरो देके यहाँ पे रूट लिखना है, फिर स्टेम था तो स्टेम के एरो देके यहाँ पे आपको स्टेम लिखना है, तो ऐसे आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में पूरी सॉल्व करनी है। ओके थैंक यू।